छतरपुर विधानसभा के कतरवारा गांव से खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में किसे चुनेगी जनता, किसे पहनाएगी जीत का ताज। जैसा कि हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव अचूके हर पार्टी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है, जिसमें सभी पार्टियों में एक दूसरे पर इल्जाम और वादा खिलाफी का दौर चालू है। लेकिन हमारी राष्ट्र आजकल की टीम ने छतरपुर विधानसभा के कतरवारा गांव को कर जानी जनता की राय। सुनिए क्या है जनता की राय हमारे खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में। नमस्कार, मैं हूं राष्ट्र आजकल न्यूज से इरफान कुरैशी। और विधानसभा चुनाव जैसे शुरू हो चुके हैं तो हमारा प्रोग्राम कौन बनेगा विधायक, इसको लेकर आज हम छतरपुर विधानसभा की कतरवारा गांव में खड़े हुए हैं, जहां पर देखते हैं थोड़ी ही देर में क्या है पब्लिक की राय, क्या कहता है वोटर और कौन बनेगा विधायक में, किसको विधायक बनाना चाहते हैं। नाम है आपका? मेरा नाम राममूर्ति पटेल, कतरवारा ग्राम कतरवारा। क्या है कि जैसे अब विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, अगले महीने की 17 तारीख को चुनाव होना है और जिसमें वोटिंग होना है, उसमें आपके चार प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्र से खड़े हुए हैं। आपकी छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस से खड़े हैं पज्जन चाचा, फूल से खड़ी हैं आपकी ललिता यादव और हाथी से खड़े हुए हैं बब्बू राजा और आप पार्टी भी ये खड़ी हुई आप पार्टी से हैं भागीरथ पटेल। तो इनमें से किन किसको चुनना चाहेंगे, किस सरकार को चुनना चाहेंगे? हम तो बीजेपी को चुनना चाहेंगे, ललिता यादव जी को। क्यों चुनना चाहेंगे? क्यों चुनना चाहेंगे? क्या काम किया उनसे? हमको विकास हुआ है गाँव का, रोड डरे, सरकार से लाडली बहना के पैसा मिले, किसान सम्मान निधि मिली, सब फायदा भाई गांव खास की वजह से चाह रहे। तो क्या है बीजेपी सरकार निरंतर रहेगी? हाँ, बीजेपी सरकार रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? क्या पूरे आपके क्षेत्र का क्या लगता है? नहीं, हमारा क्षेत्र में बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी ने किया है। परशुराम शर्मा। कौन से गांव से? कतरवारा। जैसे कि विधानसभा चुनाव आ चुका है और विधानसभा चुनाव में अगले महीने के 17 तारीख को वोटिंग होना है, आपके क्षेत्र से सभी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो इसमें जैसे कांग्रेस से खड़े हैं पज्जन चाचा, फूल से खड़े हैं आपकी ललिता यादव, बब्बू तो राजा खड़े हुए हैं हाथी से और साइकिल से खड़े हुए हैं भागीरथ पटेल, तो इन चारों लोगों में से किसके तरफ जाने जाएंगे, किसको चुनेंगे, आप क्यों चुनना चाहेंगे? देखो, जहाँ तक है चुनने का सवाल, तो हमेशा इंसान वो चुन लोग उस लोग को चुनता है जिसके गेट हमेशा खुले रहें, पहला मतलब ये होता है। दूसरा मतलब ये होता है कि जिसके पक्ष में नेताजी ने कुछ अच्छा किया हो, लोग उसकी सपोर्ट करते हैं। हमारा जहाँ तक मानना है कि जैसे जहाँ तक अपन ललिता को जानते हैं, तो ललिता ने लगभग यहाँ पर जो है बहुत कम काम करवाए, नहीं करवाए। इसके पहले उमेश शुक्ला थे, उनने कुछ कराए और को और भी विधायक लोग थे, उनने भी कराए। पज्जन की जहाँ बात है, तो पज्जन भैया ने अभी तक छतर कतरवारा गांव में ऐसा कोई विकास नहीं समझ में आया कि उन्होंने करवाया हो। और जहाँ बब्बूदा का सवाल है, तो वो एक गांव का ही सदस्य है, मतलब यहाँ का ही है, आता रहता है, हर निमंत्रण में आता है, जाता है, बैठते उठते हैं लोग बाग संग उसके जाते हैं, कोई समस्या होती है तो उसके यहाँ जाते हैं, उसके गेट हमेशा खुले रहते हैं, वो सपोर्ट करता है लोगों की। तो जहाँ तक हमारा समझ में आता है, तो हम लोग तो सपोर्ट बब्बू राजा का ही करेंगे, यही है। एक लोकल्टी के मामले में आपने कहा कि बब्बू राजा का सपोर्ट करेंगे जी। अभी जैसे मध्य प्रदेश में लगातार आपको पता है बीजेपी सरकार चल रही है विगत 15 वर्षों से, तो आपको क्या लगता है, आपकी उम्र भी ज़्यादा है, आप बहुत समय से वोटिंग भी कर रहे हैं, हमें लगता है आपने कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है, बीजेपी का भी कार्यकाल देखा है। तो आपके इन दोनों कार्यकालों में क्या अंतर समझ गया है? अंतर ये है कि बीजेपी बहुत अच्छी सरकार है, हमें उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोधी तो वो लोग करते हैं जिससे कोई एलर्जी हो। बीजेपी जहाँ तक है बहुत अच्छी सरकार है और हमेशा इंसानों का भला सोचती है और किया भी है उन लोगों ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कुछ भी बने, लेकिन अपन को जो आम आदमी, जैसे हम लोग आम आदमी हैं, तो हम लोग की पहुंच ज़्यादा विधायक तक ही है। विधायक जी की पहुंच है जो है सेवा सिंह तक, विधानसभा तक, हमारी पहुंच वहीं तक है। और जो हमारा जो है मान लो अच्छा बुरा सोचेगा विधायक, हम तो वो सरकार से वो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम विधायक का देख रहे हैं कि जो हमारी तरफ जो हो, हमारी मदद करे, हम उसको मल्लो चुनने की कोशिश करेंगे। दादा आपका? मैंने प्रसाद कुशवाहा। कौन से गांव से? कतरवारा।
कतरवारा से। क्या है कि जैसे विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, अगले महीने की 17 तारीख को वोट डालना है, तो इसमें कांग्रेस से खड़े हैं पज्जन चाचा, फूल से खड़ी हैं आपकी ललिता यादव और बब्बू राजा खड़े हैं हाथी से, साइकिल से चंदौरिया जी भी खड़े हो गए, इनमें से किने चुनेंगे आप? फूल को चुनेंगे, पंजे को या हाथी? जो गुड्डू दादा कहेंगे वो करेंगे हम। गुड्डू दादा जाएंगे फूल में तो फूल में जाएंगे हम, तो फूल के हैं ही हैं, सीधा मतलब एक है। जो गुड्डू भाई साहब को टिकट नहीं मिलेगी तो हम जहाँ गुड्डू भाई साहब कहेंगे वहाँ जाएंगे। इस बार विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, तो विधानसभा चुनाव में क्या है, मन कहाँ वोटिंग करेगी जनता इस बार, कहाँ वोटिंग करना चाहिए? अब जीत रही है भैया मालूम, लेकिन हम लोगों को सबको देना है फूल। फूल पे काय देंगे? फूल पे सब कुछ तो कर रहे हैं मोदी जी, का नहीं कर रहे हैं? सब कुछ तो कर रहे हैं, महिलाओं के लिए 1000 रुपया दे रहे हैं और भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं, सब अच्छे अच्छे तो कर रहे हैं, तो हम लोगों को सब खून ही पे देना है। जानकी प्रसाद शर्मा। कौन से गांव से हैं? कतरवारा। कतरवारा से। क्या है कि जैसे विधानसभा चुनाव आ गए हैं, अब विधानसभा चुनाव में 4-5 प्रत्याशी मैदान में खड़े हुए हैं, फूल से खड़ी हैं ललिता यादव, पंजा से खड़े हैं पज्जन चाचा और हाथी से खड़े हैं बब्बू राजा और झाड़ू से आपके हैं भागीरथ पटेल जी। इस बार कांग्रेस की लहर दिख रही है हमारे यहाँ पर, और जो क्या इसमें विधायकी में तो अपने पज्जन चाचा इस बार मतलब जी जान लगाए हुए हैं, तो उन्हीं की जीत होने वाली है इस बार। तो पज्जन चाचा को चुनेंगे आप? क्यों चुनेंगे? क्योंकि हमारे जो गांव में सुविधाएं वगैरह काफ़ी की हैं उनने, पानी वगैरह के टैंकर वगैरह उन्होंने भिजवाए हैं, और यहां पर जो खेल वगैरह युवाओं के लिए करवाते हैं, और गाना बजाना वालों के लिए संगीत की जो किट वगैरह दी है और खेलने के लिए भी किट दी है, बहुत सारी ऐसी जो योजनाएँ चाहे रसोई वगैरह काफ़ी काम की है उन्होंने। और भाजपा के द्वारा क्या कोई भी योजनाएं वगैरह आप लोगों के क्षेत्र में लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? नहीं, वो पूर्व जो पूर्व विधायक थे तो उसकी वजह से काफ़ी उनने मतलब विकास किया है। अब पिछली बार जो थे वही थे, अब उसके पहले और पहले थे, तो अब 5-8 साल होने वाले हैं, तो अब उनका ज़्यादा कुछ पता नहीं है हमें। इंद्रलाल पटेल। कौन से गाँव से? कतरवारा से। क्या है कि जैसे विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, विधानसभा चुनाव में आपके छतरपुर विधानसभा से 5 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, पहले तो हैं आपके पज्जन चाचा कांग्रेस से, ललिता यादव भाजपा से और हाथी से हैं बब्बू राजा, आप पार्टी से हैं भागीरथ, तो इनमें से किस पार्टी को चुनना चाहेंगे, आप क्यों चुनना चाहेंगे? भाजपा की सरकारी में सब्जी काम है, भाजपा को चाहते हैं। ये धड़ारी से हम पहले 15 साल सरपंच रह चुके, धड़ारी लड़ोनी कटवार सिया भाटन, उसी समय का विकास हमारे करवाया है जितना है, बाकी सब धड़ाई धड़ाई में काम हुए हैं जब से ये 5 साल सिया राम राव रहा, बाद हुए काम डरे हैं मैंने ही मंजूर करे थे कलेक्टर भंडारी द्वारा करवाए थे, आंगनबाड़ी भवन कतरवारा और दूसरा हरिजन समाज भवन कतरवारा, तीसरे ढलारी से वार्ड नंबर 1 से और नदिया तक रोड निर्माण, ये 3-4 काम भंडारी कलेक्टर ने मंजूर किए थे, सिया राम राउत ने आज तक नहीं कराए। रखिए देश के हर शहर हर गांव हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट, और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें, और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।